हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 29 सितंबर 2024, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं दोस्तों। आज की कुछ प्रमुख खबरों में देखेंगे, पेंशन पाने वालों के लिए अच्छी खबर आई है, रेल यात्रियों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है, महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए देने की घोषणा की है कांग्रेस ने इस राज्य में, वहीं इस बार 10वीं 12वीं के बोर्ड परीक्षा केंद्रों पर बड़ा बदलाव होगा, सीबीएसई की तरफ से आदेश जारी किया गया। खबर है इन परिजनों को मिलेंगे 1-1 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया है। फोन पे गूगल पे यूजर्स के लिए भी यूपीआई पर बड़ा अपडेट आ रहा। पति पत्नी के लिए हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला। संविदा कर्मियों और सरकारी कर्मचारियों के लिए भी खुशखबरी है, सरकार ने फैसला लिया। इन सभी खबरों को भी विस्तार में जानेंगे। इसके अलावा भी आज की 50 बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए दोस्तों, आज के दिन को वर्ल्ड हार्ट डे के रूप में मनाया जाता है, यानी कि विश्व हृदय दिवस। एक स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए एक स्वस्थ हृदय का होना आवश्यक है, इसलिए पौष्टिक आहार लें, नियमित व्यायाम करें और धूम्रपान को ना कहें। और आज वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर देखिए दोस्तों, स्वास्थ्य विशेषज्ञों का यह मानना है कि हमारे शरीर में इन चार चीजों का बढ़ना हृदय के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, जिसमें पहला है बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर यानी बीपी, बढ़ना भी आपके हार्ट को डैमेज कर सकता है। कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल रखें, अधिक तनाव से भी खतरा होता है, इसीलिए टेंशन डिप्रेशन को भी ना बढ़ने दें। और डायबिटीज रोगी भी सतर्क रहें, क्योंकि डायबिटीज का बढ़ना भी आपके हार्ट पर गंभीर असर डाल सकता है, जिससे हार्ट अटैक वगैरह की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। हाँ, तो ये तो हो गई हार्ट की बात, और चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, पीएम मोदी आज महाराष्ट्र पुणे मेट्रो का उद्घाटन करेंगे और भी यहां से कई नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। महाराष्ट्र को कुल 11,200 करोड़ रुपए की सौगात देंगे और अपने इस दौरे के दौरान और भी इन नई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। चलिए दोस्तों, सरकार का एक और बड़ा फैसला देखिए। केर बासमती सफेद चावल के निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है और चावल की दूसरी किस्मों पर भी एक्सपोर्ट ड्यूटी यानी निर्यात टैक्स में कटौती की है। एक तो बिना बासमती चावल से निर्यात शुल्क बिल्कुल ही हटा दिया है, उबले चावल पर भी शुल्क को घटाकर 10% कर दिया है। इसके अलावा भी सरकार ने गैर बासमती सफेद चावल पर $490 प्रति टन का MEP भी लगाया है। MEP यानी मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम निर्यात मूल्य तय किया है सरकार ने ये। चलिए अगला अपडेट देखिए। RBI की रिपोर्ट में एक दावा किया गया कि बिजली बनाने में साल 2030 तक खत्म होगा जीवाश्म ईंधन का प्रभुत्व, अक्षय ऊर्जा का हिस्सा 50% से ज्यादा होगा। मतलब 2030 के बाद सोलर ऊर्जा, सोलर एनर्जी में बहुत ज्यादा बढ़ावा देखने को मिलेगा। ऐसे में दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं तो जो सौर ऊर्जा से जुड़ी कंपनियां, ग्रीन एनर्जी वगैरह, इन कंपनियों में आप निवेश कर सकते हैं ना। चलिए अगला अपडेट है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बिम्स्टेक देशों के विदेश मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक की अध्यक्षता की और विदेश मंत्री ने UNGM में डेनमार्क, UAE, सिंगापुर के समकक्षों से भी मुलाकात की। भारत और इन देशों के आपसी संबंधों को मजबूत करने पर इन्होंने जोर दिया। और वहीं दुनिया के ग्लोबल मंच UNGA से एस जयशंकर ने हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को खरी खरी सुनाते हुए कहा कि उसके सीमा पर आतंक के मसूबे कभी सफल नहीं होंगे, पाकिस्तान से नरमी की उम्मीद कभी न करें। वैसे हमारे राहुल गांधी ने भी विदेश मंत्री एस जयशंकर को एक पत्र लिखा और उन्होंने 37 तमिल मछुआरों की श्रीलंका से रिहाई की मांग की है। ये मछुआरे अभी श्रीलंका जेल में बंद हैं। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों। टेलीकॉम सेक्टर पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि आम आदमी को उसके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए। वहीं हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस CJI बोले कि न्याय प्रणाली दिव्यांग बच्चों की बढ़ती हुई कमजोरियों को समझे। बाल सुरक्षा पर आधारित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, इनका कहने का मतलब यह है कि कोर्ट कचहरी न्यायालयों में दिव्यांग बच्चों की परेशानियों को समझा जाना चाहिए। उन्होंने खुद अपना एग्जाम्पल देते हुए कहा कि मेरी भी 2 दिव्यांग बेटियां हैं, उन्होंने मेरा दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। CJI DY चंद्रचूड़ की तरफ से संबोधन में ये बातें कही है, क्योंकि वैसे भी दिव्यांग लोग दोस्तों इस दुनिया में अपने आप को कमजोर फील करते हैं। ये इस सोसाइटी में, समाज में वो लोग अपने आप को फिट बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। देखिए, ये दिल्ली की ही एक घटना, 4 दिव्यांग बेटियों के साथ में पिता ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इस व्यक्ति की पत्नी की तो पहले से ही कैंसर से जान चली गई, अब आर्थिक तंगी थी, और 4 दिव्यांग बेटियां इसके और पापा, पांचों ने अपनी जिंदगी समाप्त कर ली। कहीं ना कहीं देखा जाए तो दिव्यांगों को हमें समाज में सपोर्ट करना चाहिए वाकई में। अगर आपके आसपास भी आप कहीं देखते हो, आपके गांव, शहर, मोहल्ले में कोई दिव्यांग व्यक्ति है, दिव्यांग जन, दिव्यांग परिवार है, तो उनकी जितनी आपसे हो सके आपकी श्रद्धा अनुसार मदद जरूर करें, क्योंकि किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। हम खुद से शुरू करेंगे तभी तो ना दुनिया में बदलाव की उम्मीद रख सकते हैं। मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ दोस्तों, मैं कभी कहीं बाहर भी जाता हूँ, बाहर शहर में कहीं घूमने, मुझे कोई दिव्यांग मिल जाता है, मैं मदद करता हूँ उसकी। रियली में मैं अपने मुंह तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सच है। खैर, अभी हम खबरों के टॉपिक से दूर जा रहे हैं, सीधा आगे बढ़ते हैं अगली खबरों में। देखिए आप, भारत में आयरन प्रोडक्शन पर भी रिपोर्ट आ रही कि भारत का लोहा अयस्क उत्पादन अप्रैल से अगस्त के बीच 7.5% बढ़कर 11.6 करोड़ टन हुआ, सरकार की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए। वहीं 14.40 करोड़ टन उत्पादन के साथ भारत देश इस्पात में भी दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन चुका है। और देखिए, हेल्थ केयर को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि देश में इलाज कराना आसान नहीं है। इस रिपोर्ट में ये चौंकाने वाले खुलासे हुए कि सालाना महंगाई दर दोहरे अंकों में बढ़ रही है और लोगों का इलाज कराना काफी ज्यादा महंगा पड़ रहा है। एको इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक देश में स्वास्थ्य सेवाओं की लागत प्रति वर्ष 14% की दर से बढ़ रही है। अब जरा सोचिए, दूसरी चीजों के इन्फ्लेशन महंगाई रेट से भी ज्यादा, हॉस्पिटल में इलाज कराना महंगा होता जा रहा दिन ब दिन, देख रहे हो ये आंकड़े। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, एक महिला ये
ये दावा नहीं कर सकती हैं कि शादी का झांसा देकर मेरे साथ रेप किया गया, और वो भी स्पेशली शादीशुदा महिला तो इस तरह का दावा कर ही नहीं सकती हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से एक केस की सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया। अच्छा, दिल्ली हाईकोर्ट का भी एक बड़ा फैसला देखिए। सौतेली नहीं बल्कि अपनी असली माँ का नाम मार्कशीट पर लिखवाने का अधिकार होता है बच्चे बच्चों को। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बेटी के मामले पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। 25 लाख रुपए तक का फ्री इलाज मिलेगा, महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए खाते में मिलेंगे। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में ये कुछ बड़े ऐलान किए हैं। हरियाणा इलेक्शन को लेकर यानी हरियाणा में चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो यानी चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है, और इसमें एक तो सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाली यानी पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की घोषणा की है। इसके अलावा भी महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए देने और लोगों को 25 लाख रुपए तक का फ्री इलाज करवाने का वादा भी किया है। हालांकि कांग्रेस ने भी अपने मैनिफेस्टो में अग्निवीर का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया है। ये कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए हुए 7 बड़े वादे भी आप देख सकते हैं। 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 2000 रुपए हर महीने महिलाओं को, 6000 रुपए बुढ़ापा, दिव्यांग, विधवा पेंशन, 100 गज का प्लॉट, 300 यूनिट बिजली फ्री वगैरह वगैरह। वहीं हरियाणा चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में एक और वादा किया, किसानों को शहीद का दर्जा दिया जाएगा, नौकरी देने और कानूनी एमएसपी देने का भी वादा किया, यानी कि एमएसपी की गारंटी वाला कानून लागू करेंगे हरियाणा में, ये कांग्रेस का कहना है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। बच्चों को अब हिंसक व्यवहार और नशीले पदार्थों के इस्तेमाल से बचाएंगे स्कूल, देश में शुरू होने जा रहा बड़ा अभियान। दरअसल दोस्तों, आज के टाइम पर अगर आंकड़ों को देखें ना, तो बच्चे बच्चे अपने स्कूलों में पढ़ने की उम्र में कई नशे की आदतों से एडिक्टेड हैं, हिंसक व्यवहार करते हैं। तो बच्चे बच्चों के जीवन से इन चीजों को दूर करने के लिए अब शिक्षा मंत्रालय और अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से एक नया प्लान बनाया गया है। छात्रों को पढ़ाने के बाद अब उनका टेस्ट भी होगा, और ये टेस्ट उनके बिहेवियर यानी कि व्यवहार और जनरल लाइफ पर आधारित होगा, ये कोई एग्जाम का टेस्ट नहीं होगा। तो ये भी सरकार नया प्लान कर रही है, स्कूलों के माध्यम से बच्चे बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाएगी, है ना, सिर्फ किताबी नॉलेज ही नहीं लेंगे अब बच्चे बच्चे। चलिए अगली खबर देखिए आप। चीनी सीमा पर भारतीय सेना ने बढ़ाई ताकत, तैनात किए आधुनिक हथियार, हाइपरसोनिक मिसाइलें बनाने में भी जुटा DRDO। भारतीय सेना किसी भी विकट स्थिति का मुकाबला करने के लिए लगातार सीमाओं पर अपनी युद्ध क्षमता बढ़ा रही है, और इसी कड़ी में अब चीनी सीमा पर भी कई आधुनिक हथियार सेना ने तैनात कर दिए हैं। वैसे चाइना को अब एक और बड़ा झटका लगने वाला, चीन से अब ये प्रोडक्ट हमारे भारत में नहीं आएगा। इजराइल वाले पेजर अटैक की घटना के बाद अब सरकार अलर्ट हुई है, और केंद्र सरकार ने अब कैमरा और सर्विलांस इंडस्ट्री से चीन को बाहर फेंकने की तैयारी कर ली है। मतलब अब सीसीटीवी कैमरे और इनकी DVR वगैरह मशीनें जो होगी इनको अब चाइना से नहीं मंगाया जाएगा। इसके अलावा भी भारत में अब चीनी ब्रांड्स सर्विलांस कैमरा या इनके पार्ट्स का बिजनेस नहीं करवाएंगे। हाल ही में लेबनान में हुए पेजर अटैक के बाद केंद्र सरकार की तरफ से ये सख्त आदेश जारी किया है। और वही खबर देखिए एक दुख भरी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में हमारे 2 जवान शहीद हो गए। जम्मू के कठुआ में ये कई घंटों से मुठभेड़ चल रही है, 5 सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए जिनमें 4 तो सेना के जवान और 1 ASP भी शामिल है। चलिए अगला अपडेट देखिए। दुनिया भर में बज रहा वंदे भारत ट्रेनों का डंका, कनाडा समेत अब दुनिया के कई देशों ने भारत की वंदे भारत ट्रेनों को खरीदने में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। भारत में वंदे भारत ट्रेनों की सफलता को देखते हुए अब दुनिया के कई देश इसे खरीदना चाहते हैं, क्योंकि ये ट्रेनें डिजाइन और लागत में काफी बेहतर हैं, और इन ट्रेनों की स्पीड भी नॉर्मल ट्रेनों की तुलना में बहुत अच्छी है। 52 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है, जबकि बुलेट ट्रेन इसके लिए 54 सेकंड लेती है, यानी ये बुलेट ट्रेन के काफी नजदीक है। यही वजह की चिली, कनाडा, मलेशिया जैसे देशों ने भी भारत से वंदे भारत ट्रेनें खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। चलिए अगला अपडेट है। अब 65 लाख पेंशनर्स को समय पर मिलेगी पेंशन, सरकार की तरफ से एक नया आदेश जारी किया गया। सरकार ने कहा कि अब पेंशनरों को पेंशन मिलने में देरी नहीं होगी, बल्कि महीना खत्म होने से पहले ही उनके खाते में पेंशन की राशि जमा कर दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्रालय के जो व्यय विभाग है उसके द्वारा सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस ने पेंशनरों की शिकायतों को अब गंभीरता से लिया है, क्योंकि कई बार पेंशनर शिकायत करते हैं कि उनके खाते में तारीख निकल जाने के बावजूद भी पेंशन जमा नहीं होती है। तो अब सरकार का आदेश है, सभी बैंकों को भी ये निर्देश जारी कर दिए और सभी सरकारी डिपार्टमेंट को भी ये नोटिस जारी कर दिया कि सभी पेंशन भोगियों को महीने के आखिर में पेंशन मिल जाएगी, वो भी तारीख से पहले, है ना। और चलिए अगला अपडेट है। ग्राम पंचायतों के विकास के लिए तैयार की जाएगी योजना, 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन होगी विशेष ग्राम सभाएं। केंद्रीय मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक सबकी योजना सबका विकास अभियान के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन होगा। 2 अक्टूबर को देश भर के ग्राम पंचायतों के विकास के लिए केंद्र सरकार कई नई विशेष योजनाएं तैयार कर रही है। पंचायती राज मंत्रालय के मुताबिक इस अभियान में देश भर से लगभग 2.5 लाख से भी ज्यादा ग्राम पंचायतें शामिल होगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत की UPI का भी अब दुनिया में डंका बज रहा है, त्रिनिदाद और टोबेगो में भी अब UPI जैसा सिस्टम चलेगा। ये नाम आपको अजीब से लग रहे होंगे, लेकिन ये दुनिया के देशों के नाम है। चलिए अगला अपडेट देखिए। चलो इंडिया पहल के तहत भारत आने पर पहले 1 लाख पर्यटकों को मिलेगा फ्री वीजा। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विज्ञान भवन में विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर देश में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई नई योजनाएं लॉन्च की हैं, और उन्हीं में से एक योजना ये भी है जहां लाखों पर्यटकों को फ्री वीजा भी देगी भारत सरकार, है ना। वहीं खबर देखिए। कर्नाटक बंगलुरु की एक कोर्ट ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए जबरन वसूली का आरोप लगा उन पर। खबर है डॉक्टरों की निगरानी में इच्छा मृत्यु को लेकर भी सरकार ने नई गाइडलाइन जारी
की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि मरीज का लाइफ सपोर्ट हटाया जाए या नहीं, ये अब इन चार शर्तों से तय होगा। मतलब ये अब हमारे देश में नया नियम लागू कर दिया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से लोगों की इच्छा मृत्यु को लेकर। और ये चार शर्तें कौन कौन सी होगी देख सकते हैं आप, अगर मरीज को ब्रेन डेड घोषित कर दिया हो। और भी अलग अलग शर्तें आप देख सकते हैं। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल अपन आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और हाँ, आपको याद दिला दूं, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट्स में। तो देखिए, एक तो जम्मू कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिली। उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में स्कूल बंद किए गए। 10 राज्यों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग का कहना कि आगामी 2 दिन तक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में भी बारिश हो सकती है। चलिए कुछ अलग अलग राज्यों के मानसून के हालात देखते हैं। मध्य प्रदेश का मानसून अपडेट देखिए। भोपाल, इंदौर और गुना समेत 20 जिलों में बारिश हुई। मंदसौर में गांधी सागर डैम के भी 3 गेट खोले गए। राजस्थान, चित्तौड़गढ़ में नदी में नहाने गए 2 बच्चे भी बह गए। कोटा बैराज का जलस्तर बढ़ा, 2 गेट खोले गए। आज भी राजस्थान में 11 जिलों में बारिश का अलर्ट है। और वहीं अभी जाते जाते मानसून की बारिश और तेज हवाओं में किसानों की फसलों को भी काफी नुकसान हुआ, देख सकते हैं आप तस्वीरें। और बिहार में देखिए दोस्तों, कोसी बराज पर चढ़ा पानी, इंडो नेपाल रोड बंद किया गया। अब तक 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। उत्तर प्रदेश में भी जोरदार बारिश देखी जा रही है। मैनपुरी में हाईवे दशा, 1000 घरों में पानी घुस गया। हिमाचल प्रदेश में अब 6 दिन मौसम साफ रहेगा, तापमान में भी बढ़ोतरी हो सकती है। उत्तराखंड के 6 जिलों में बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने कहा कि 30 सितंबर तक बारिश का दौर जारी रहेगा। हरियाणा में अब टेम्परेचर गिरा, ठंड की धीरे धीरे दस्तक हो रही है। मौसम विज्ञानी बोले कि बारिश की वजह से सर्दी जल्दी शुरू होगी। हालांकि हरियाणा के 2 जिलों में बारिश का भी अलर्ट है। पंजाब और चंडीगढ़ में भी आज बारिश की संभावना है। झारखंड में देखिए, रांची समेत कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। दुर्गा पूजा से ही मौसम में बदलाव आएगा। 15 अक्टूबर से मानसून की विदाई होगी। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग के कुछ जिलों में आज बारिश की चेतावनी है। अब तक सामान्य से 8% ज्यादा बरसा पानी। और भी दोस्तों, आज 29 सितंबर को 5 ऐसे राज्य हैं जहां भारी बारिश का अलर्ट है इन 5 स्टेट में। और हमारे भारत के पड़ोसी देश नेपाल में भी देखिए, भारी बारिश के बाद बाढ़ से हाहाकार सा मचा हुआ। अब तक 60 लोगों की जान चली गई। स्कूल कॉलेज भी 3 दिन तक बंद किए गए। नेपाल में भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हो रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। 44 जगहों पर हाईवे ब्लॉक है, 226 घर डूबे। लोगों को बचाने के लिए 3000 से ज्यादा सैनिक तैनात किए हैं। और अमेरिका में भी हेलेन तूफान की वजह से 52 लोगों की जान चली गई। रेस्क्यू के लिए अमेरिकी सरकार ने 4000 सैनिक तैनात किए। चलिए दोस्तों, मौसम के हालातों के बाद अब अपन सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, इस सप्ताह सोने चांदी में तेजी रही। सोना 1547 रुपए बढ़कर 75640 पर पहुंचा, जबकि चांदी 91448 रुपए प्रति किलो बिक रही है। हालांकि मार्केट एक्सपर्ट का यह अनुमान है कि सोने पर 15 सालों में औसत वार्षिक हिसाब से देखा जाए तो 11.5% रिटर्न मिला और अभी भी आगे और सोने के भाव बढ़ सकते हैं। मार्केट के भी कुछ अपडेट देखिए आप। विदेशी निवेशकों ने इस सप्ताह शेयर बाजार में 23650 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे, तो इंडियन स्टॉक मार्केट में भी अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। अमानता हेल्थ केयर भी अपना IPO लाने का प्लान कर रही है। कंपनी ने सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर्स भी जमा किए। और अडानी एंटरप्राइजेज जल्द ही चॉकलेट बिजनेस भी स्टार्ट करेगी। कोको कार्ट वेंचर्स में 74% हिस्सेदारी खरीदेगी। वहीं दोस्तों, NSE और BSE ने ट्रांजेक्शन फीस के शुल्क में भी बदलाव किए हैं। 1 अक्टूबर से ही केस, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए चार्जेस की नई दरें लागू होने जा रही हैं। ये कुछ रेट लिस्ट का अपडेट भी आप इस टेबल में देख सकते हैं। वैसे तो और भी 1 अक्टूबर से हमारे देश में कई सारे नए नियम लागू होने जा रहे हैं। मैंने कल शाम को DLS न्यूज के ऊपर एक सेपरेट वीडियो डाल दिया, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा ये वीडियो। 10 ऐसे महत्वपूर्ण नए नियम, बड़े बदलाव। LPG गैस सिलेंडर, UPI, GST, मोबाइल सिम कार्ड, बैंक खाता वालों के लिए, प्राइवेट नौकरी, सरकारी कर्मचारियों समेत देश के हर वर्ग, हर आदमी के लिए 10 ऐसे नए नियम लागू होने जा रहे हैं 1 अक्टूबर 2024 यानी परसों के दिन से ही, ठीक है ना। तो दोस्तों, ये खबरें समाप्त होने के बाद आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, भले अभी टाइम मिले तो, नहीं तो शाम को देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। मैं लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, पिन कमेंट में भी डाल दूंगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। IDFC फर्स्ट बैंक में मर्ज होंगे IDFC लिमिटेड और IDFC FHCL। शेयर होल्डर्स को 100 शेयरों के बदले फर्स्ट बैंक में 10 रुपए के 155 शेयर मिलेंगे। चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, जाम छलकाने वालों के लिए जरूरी खबर। दिल्ली में 6 दिन बंद रहेगी शराब की दुकानें। आने वाले अक्टूबर नवंबर महीनों में 6 दिन तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी, क्योंकि कुछ त्योहार वगैरह भी आ रहे हैं, गांधी जयंती वगैरह। इसके चलते अक्टूबर नवंबर में इन तारीखों पर शराब की दुकानें, ठेके वगैरह बंद रहेंगे ना। चलिए अगला अपडेट है। सेरोगेसी से मां बनने वाले कर्मियों के लिए अच्छी खबर। अब इस राज्य में 6 महीने का मातृत्व अवकाश भी मिलेगा। उड़ीसा राज्य सरकार की तरफ से ये माताओं बहनों के लिए अच्छी घोषणा की गई है। वहीं दोस्तों, इंडिया पोस्ट की एक नई पहल देखिए। किसी भी उत्पादों को विदेश भेजने के लिए अब डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस में मिलेगी स्पेशल सुविधा। ऑनलाइन होगा पार्सल का इंश्योरेंस भी। उत्तराखंड पोस्ट डिपार्टमेंट से ये नई सुविधा शुरू होने जा रही है। वहीं खबर है, विदेश में हथियार तैयार करेगा अब भारत। टाटा कंपनी के हाथ में एक बड़े प्रोजेक्ट की कमान लगी है। भारत की कोई कंपनी पहली बार विदेश में डिफेंस प्लांट स्थापित करने जा रही है।
है और ये काम टाटा की सब्सिडरी कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL शुरू करने जा रही है। अफ्रीकी बाजार में कंपनी अपना डिफेंस बिजनेस स्टेब्लिश करेगी, है ना। चलिए अंतरराष्ट्रीय न्यूज से बड़ी खबर है दोस्तों, हिजबुल्लाह ने 20 घंटे बाद ये माना कि चीफ नसरल्लाह मारा गया। इसराइल ने हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को 80 टन बम से उड़ाया था। ईरान में खामेनेई भी अब सुरक्षित जगहों पर भेजे गए। इधर भारत में भी हिजबुल्लाह की मौत पर अब कुछ कंट्रोवर्सी देखी जा रही है। महबूबा मुफ्ती ने हिजबुल्लाह चीफ को शहीद बताया, बोली कि हम लेबनान फिलिस्तीन के साथ हैं, उनके समर्थन में आज प्रचार नहीं करूंगी। वही खबर देखिए, भारत यात्रा से पहले मालदीव के राष्ट्रपति मुइजू बोले कि इंडिया आउट एजेंडा नहीं चलाया। उन्होंने कहा कि कभी भी हम भारत के खिलाफ नहीं थे, सिर्फ सैनिकों की मौजूदगी से दिक्कत थी। चलिए अगला अपडेट देखिए, हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त CEC बोले कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 26 नवंबर से पहले होंगे। राजनीतिक दलों की मांग है कि त्योहारों को ध्यान में रखकर के ही चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाए। वही खबर है दोस्तों, सरकार ने टेलीकॉम और साइबर समेत कई विभागों की जिम्मेदारियों में बड़ा बदलाव किया है। किस डिपार्टमेंट को क्या जिम्मेदारी सौंपी है, इस बाबत जानकारी भी आप देख सकते हैं। और देखिए, हरियाणा में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया, जिसमें बच्चे समेत 3 लोग जिंदा जल गए, 7 लोग बुरी तरह से भी झुलस गए। वही खबर है, पंजाब में किसानों ने सड़क पर फेंकी धान, सस्ती खरीद पर भड़के। 3 किलोमीटर तक धान बिखेरी बोले कि प्रति एकड़ 30,000 का नुकसान हुआ है। क्योंकि दोस्तों, किसानों को उनकी फसलों की मेहनत के बदले पूरा दाम, पूरी वैल्यू नहीं मिलती है, तब किसान भाई लोग इस तरह से परेशान हो जाते हैं। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें कुछ, यही वजह कि आए दिन किसानों के आंदोलन हमें देखने को मिलते हैं, है ना। वही देखिए, मणिपुर में फिर हिंसा फैली, मेतई गांव पर फायरिंग हुई। चुरा चांदपुर कांग पोकपी 3 दिन बंद रहेंगे अब। कुकी और मेतई समुदाय की कॉन्ट्रोवर्सी एक बार फिर से बढ़ रही है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनाव के सिलसिले में हरियाणा में पहुंचे। यहां रैली में बोले कि हरियाणा में मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरह गुब्बारा फूटेगा। कांग्रेस विधायक ने लोगों को घर छोड़ने की धमकी दी, इनके राज में दामाद दलालों का बोलबाला है। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के भी अंतिम फेज के लिए रैली की। मोदी बोले कि 8 साल पहले आज ही सर्जिकल स्ट्राइक हुई और कांग्रेस इस पर सबूत मांगती है, इनके समय गोलीबारी के जवाब में सफेद झंडा दिखाते थे। और वहीं देखिए दोस्तों, केरल में फिल्मी तरीके से लूट की कुछ अनोखी घटनाएं देखने को मिली। 90 मिनट में 3 लूट हुई। डकैती में इस्तेमाल SUV कंटेनर में छिपाई, पुलिस ने 12 किलोमीटर तक पीछा करके लुटेरू बदमाशों को पकड़ा है। चलिए अगला अपडेट है, अब 400 रुपए से भी कम में आपको 150 दिन की वैलिडिटी वाला BSNL का रिचार्ज प्लान मिल पाएगा। अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ डेटा वगैरह भी मिलेंगे। BSNL की तरफ से ये सस्ता रिचार्ज प्लान पेश किया 395 वाला, और इसमें क्या क्या बेनिफिट होंगे देख सकते हैं आप। वही दोस्तों, तिरुपति लड्डू प्रसाद के विवाद मामले पर खबर आ रही है। YSRCP ने मंदिरों में शुद्धिकरण पूजा की और कहा कि मिलावट की जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराएं। खबर है, रिलायंस और डिज्नी मर्जर मामले में बड़ा अपडेट आया। सरकार ने टीवी चैनलों के लाइसेंस ट्रांसफर करने की भी मंजूरी दी। वही देखिए, भारत बायोटेक कंपनी ने 5 करोड़ की मानहानि का दावा करते हुए कहा कि कोवैक्सीन पर BHU के वैज्ञानिकों की स्टडी गलत है। और एक पाकिस्तानी फिल्म द लीजेंड ऑफ मोला जट पर भी विवाद जारी है। मुंबई समेत कई शहरों में ये फिल्म रिलीज नहीं होगी, जबकि एक पाक डिस्ट्रीब्यूटर ने इस फिल्म की तुलना बाहुबली से की है। खबर है, मानहानि केस में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और वर्तमान CM आतिशी की याचिका पर सुनवाई टली। सुप्रीम कोर्ट 30 सितंबर को मामले की सुनवाई करेगा। वहीं देखिए, मतदाता सूचियों के घर घर सर्वेक्षण का कार्य पूरा हुआ। राजस्थान में सभी 5.5 लाख के लगभग मतदाताओं का सत्यापन हुआ। अच्छा, दिल्ली सरकार का एक और बड़ा फैसला देखिए। कोविड काल के दौरान यानी कोरोना के समय जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। जो कोरोना योद्धा रहे हैं उनके परिवारों को ये मुआवजा मिलेगा, और अभी दिल्ली सरकार 5 और परिवारों को ये 1-1 करोड़ रुपए की धनराशि देगी। अच्छा, वैसे व्यापारियों के लिए भी अच्छी खबर है दोस्तों। दिल्ली में कारोबार करना अब और भी आसान होगा। आतिशी सरकार निवेशकों को देगी सिंगल विंडो की सुविधा, और इस सिंगल विंडो फैसिलिटी में कई काम आसानी से एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही जगह पर हो पाएंगे कारोबारियों के। चलिए अगला अपडेट देखिए, IPL को लेकर BCCI सचिव जय सांग की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। भारतीय खिलाड़ियों को अब मिलेगी 7.5 लाख रुपए मैच की पूरी फीस, जबकि पूरा सीजन खेलने पर खिलाड़ी करोड़पति बन जाएंगे। IPL प्लेयर्स के लिए भी ये ऐलान किया गया। एक मैच के तो 7.5 लाख मिलेंगे, और पूरा IPL का सीजन अगर कोई प्लेयर खेलता है तो 1.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। वही दोस्तों, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश T20 सीरीज को लेकर भी भारतीय टीम का अनाउंसमेंट हो चुका है। सुपर पेसर को पहली बार टीम में जगह मिली, और इस बार T20 के लिए भारतीय स्क्वाड में ऋषभ पंत बाहर किए गए। तूफानी गेंदबाज मयंक यादव एक नया चेहरा आपको देखने को मिलेगा, और इस सीरीज की शुरुआत 6 अक्टूबर से होगी। चलिए, स्टूडेंट छात्र छात्राओं से जुड़े कुछ बड़े अपडेट देखिए आप। CBSE बोर्ड वालों के लिए जरूरी खबर, नया आदेश आ चुका है। अब चीटिंग करने से पहले 100 बार सोचेंगे स्टूडेंट। बात कुछ यूं है कि इस बार 10वीं-12वीं के बोर्ड परीक्षा केंद्रों पर बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि CBSE की तरफ से एक नया आदेश जारी किया गया, जिसके मुताबिक दोस्तों अब ये जो बोर्ड एग्जाम होंगे ना, ये सिर्फ और सिर्फ CCTV कैमरों की निगरानी में ही होंगे। यानी एग्जाम हॉल में जो परीक्षा कक्ष होगा उसमें CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। CBSE की तरफ से सभी स्कूलों को ये नोटिस भी जारी कर दिया, कहा कि HD क्वालिटी लो लाइट कैमरे लगाए जाए सभी एग्जाम हॉल में, ताकि अब स्टूडेंट टीका टिप्पणी भी नहीं कर पाएंगे, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, बिहार में अवैध बालू खनन के खिलाफ ED ने बड़ा एक्शन लिया। SG इंफ्रा के मालिक अजय सिंह को गिरफ्तार किया। खबर है, उत्तर प्रदेश में लागू होगी नई पार्किंग पॉलिसी। रात के समय वाहन खड़ा करने पर अब आपको इतना शुल्क देना पड़ेगा, जो कि 30 से 50 और 60 से 100 रुपए प्रति रात तक हो सकता है। वहीं देखिए, यूपी में बैठक के लिए अवकाश पर नहीं खुलेगा GST दफ्तर, प्रमुख सचिव की तरफ से निर्देश जारी किए गए। खबर है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के बेटे उदय निधि बने डिप्टी CM, मंत्रिमंडल में यह बड़ा फेरबदल हुआ। और देखिए, उड़ीसा के भद्रक में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर
लेकर कुछ तनाव फैल गया। इंटरनेट सेवाओं को 48 घंटों के लिए स्थगित किया गया। कुछ ग्रुप में समुदाय में सोशल मीडिया पोस्ट के चलते ये हिंसा फैली और उसके बाद प्रशासन ने इंटरनेट पाबंदी लगा दी है उड़ीसा भद्रक में 48 घंटों के लिए। चलिए अगले एक अच्छी खुशखबरी देखिए। हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को 1 अक्टूबर को मिलेगी सैलरी, जबकि पेंशनरों को करना होगा इंतजार। जिनकी भी बकाया सैलरी है 1 अक्टूबर को भुगतान कर दिया जाएगा, हिमाचल की सुक्कू सरकार का यह कहना है। और देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में किसानों को फ्री में मिलेंगे अच्छी क्वालिटी के बीज। जो भी किसान चाहते हैं तो पंजीकरण करवा लें फटाफट से इस योजना का फायदा लेने के लिए। और देखिए बिहार के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मियों को बड़ी राहत मिली। दुर्गा पूजा से पहले मिलेगा सितंबर तक का पूरा बकाया। बिहार में शिक्षकों की सैलरी को लेकर नीतीश सरकार की तरफ से ये शानदार घोषणा की गई है। वहीं बिहार में अब आपकी अनुमति के बिना नहीं रुकेगा कोई भी प्रोजेक्ट। रियल स्टेट रेरा की तरफ से भी ये नई एसओपी लागू की गई है, जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं। और एक बड़ी दुर्घटना की खबर देखिए दोस्तों। तमिलनाडु में टाटा कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक प्लांट में भीषण आग लग गई, 1500 कर्मचारियों को बचाया गया। बड़ी खबर है, अब थर थर कांपेगा हमारा पड़ोसी दुश्मन पाकिस्तान, क्योंकि पिनाका मिसाइल का नया अवतार लॉन्च होने जा रहा। इस मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर के भी पार है। डीआरडीओ की तरफ से इस मिसाइल को और अपग्रेड किया जा रहा है। और खबर है दोस्तों, कर्नाटक पश्चिम बंगाल मामले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद सभी मेडिकल कॉलेजों में अब बंद रहेगा काम। नाराज डॉक्टर्स की तरफ से एक बार फिर से हड़ताल का ऐलान किया गया। और एक अच्छी रिपोर्ट आ रही है, यूबीएस की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर महीने से सस्ते हो सकते हैं बैंक कर्ज, बैंक लोन वगैरह सस्ते हो सकते हैं। 0.75% तक आरबीआई रेपो रेट में कटौती कर सकता है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स हैं। अभी एक दो दिन से मैंने आपको ये भी रिपोर्ट बताई थी कि पेट्रोल डीजल भी सस्ता हो सकता है, क्योंकि तेल कंपनियों का मुनाफा 15 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ चुका है। लेकिन उसके बावजूद अभी तक पेट्रोल डीजल के रेट में ग्राहकों को राहत नहीं दी है ऑयल कंपनियों ने। तो अब खबर है कि अक्टूबर नवंबर में आपको पेट्रोल डीजल के रेट में भी कुछ कटौती देखने को मिल सकती है ना। वहीं कपड़ा क्षेत्र में भी साल 2030 तक 6 करोड़ नौकरियां देने की तैयारी की जा रही है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। और खबर है दोस्तों, जनवरी से 7% तक महंगी होगी कुरियर सेवाएं भी। और बैंकों को लेकर भी आरबीआई की एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि सरकारी बैंकों में घट रहे हैं कर्मचारी, जबकि निजी बैंकों ने अपनी भर्तियां और तेज की। शेयर बाजार का एक अपडेट देखिए आप। दिसंबर तक आईपीओ से 1,00,000 करोड़ से भी ज्यादा जुटा सकती हैं कंपनियां। 62 इश्यू से 65,000 करोड़ अभी तक मिले हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में भी आज थम जाएगा तीसरे चरण का चुनाव प्रचार। निर्दलियों को अपने साथ लाने के लिए जोड़ तोड़ भी शुरू कर रहे हैं दूसरे राजनीतिक पार्टियों के ग्रुप। चलिए अगला अपडेट देखिए। सरकार का नया प्लान, टोल टैक्स में अब नहीं चलेगा खराब फास्टैग का बहाना, बल्कि आपको बकाया हाईवे का पूरा टोल चुकाना पड़ेगा। एनएचएआई यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये फुल प्रूफ प्लान बनाया गया है। जिन भी लोगों ने काफी लंबे समय तक टोल टैक्स का भुगतान नहीं किया, तो उनसे भी अब वापस वसूली की जाएगी ना। और एक विकास की सौगात देखिए। गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यहां आज करेंगे वरुण बेवरेज का उद्घाटन, जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और देखिए यूपी लखनऊ में भी डेंगू का कहर बढ़ा, एक दिन में मिले रिकॉर्ड तोड़ 39 मरीज, अब तक 2 लोगों की जान जा चुकी है। राजस्थान में भी 3 दिन में डेंगू से 3 लोगों की मौत हुई, मृतकों में डॉक्टर, नर्सिंग छात्रा और एक बिजनेसमैन भी शामिल है। तभी तो मैं आपको कहता हूं दोस्तों, आजकल मच्छरों का विशेष ध्यान रखें है ना। वही देखिए, उत्तर प्रदेश के इन 3 जिलों में खुलने जा रहे नए मेडिकल कॉलेज, जल्द ही कैबिनेट से प्रस्ताव भी पास होगा। यूपी के बागपत, हाथरस और कासगंज में ये नए मेडिकल कॉलेज शुरू होंगे है ना। अच्छा, वहीं आप वोडाफोन आइडिया के स्टॉक पर भी नजर रखें, क्योंकि वीकेंड में नया अपडेट आया कि 4G और 5G नेटवर्क को मजबूत करने में मदद करेगी नोकिया कंपनी। वही देखिए, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 3 साल पूरे हो चुके हैं। पिछले 3 सालों में 67 करोड़ से ज्यादा आभा खाते खोले गए, ये सरकार ने आंकड़े भी जारी किए हैं। और अभी 1 करोड़ से भी ज्यादा पीपल पर्सनल आभा हेल्थ रिकॉर्ड ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। खबर है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पेरिस पैरालंपिक के कांस्य पदक विजेता शीतल देवी और राकेश कुमार को सम्मानित किया। वही देखिए, भारतीय नौसेना की राष्ट्रीय स्तर की क्विज प्रतियोगिता थिंक 24 के लिए स्कूलों की टीमों की शॉर्ट लिस्टिंग प्रक्रिया भी शुरू हुई। खबर है, उत्तर प्रदेश के इंटरनेशनल ट्रेड शो के फैशन शो में दिखी भारतीय संस्कृति की झलक। यहाँ 2500 से ज्यादा स्टॉल और प्रदर्शनियां लगी हुई है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। वही देखिए, ताशकंद में भारत उज्बेकिस्तान द्विपक्षीय निवेश संधि पर भी हस्ताक्षर किए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। और दोस्तों, हमारा भारत भी वैश्विक भ्रष्टाचार विरोधी गठबंधन के नेतृत्व में शामिल हो चुका है, जो कि अच्छी बात है। वही खबर है, पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, आपके घर पर पहुंचेगा पासपोर्ट ऑफिस। उत्तराखंड देहरादून से यह नई सुविधा शुरू हो चुकी है। और एक बड़ी खबर देखिए, इस राज्य में आज रविवार को मोबाइल इंटरनेट रहेगा बंद। दरअसल असम सरकार की तरफ से आज 29 तारीख को तृतीय श्रेणी के सरकारी पदों के लिए होने वाली परीक्षा के मद्देनजर पूरे राज्य में अस्थायी रूप से इंटरनेट सेवाओं को बंद करने का फैसला किया। सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम को 4:30 बजे तक इंटरनेट सेवाएं निलंबित रहेगी। वही खबर है दोस्तों, इस राज्य में अब राशन कार्ड पर चावल के साथ मिलेगा गेहूं भी। 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को सीधा फायदा होगा। उड़ीसा सरकार अब गेहूं और चावल राशन में एक साथ वितरित करेगी है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश का पहला रेबीज मुक्त शहर बन चुका है ये जिला, यूपी का आगरा। यहां पर सभी कुत्तों का रेबीज का टीकाकरण हो चुका है। और देखिए, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने असम समझौते के खंड 6 को लागू करने का ऐलान किया, विपक्ष ने इसे भ्रामक बताया। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान हाउस के निर्माण में राजस्थानी कला शिल्प का उपयोग करने के निर्देश भी जारी किए। गुजरात में सोमनाथ मंदिर के पास चला बुलडोजर, खाली कराई गई करोड़ों की अवैध जमीन, 135 लोगों को हिरासत में लिया गया। और एक बड़ी लापरवाही देखिए दोस्तों, बिहार के नवादा जिले में आंगनबाड़ी केंद्र की खिचड़ी में मिली छिपकली, और इस खिचड़ी को खाकर 11 बच्चे बीमार पड़ गए, अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मतलब देखिए आप, खाना बनाने वालों की लापरवाही देखिए जरा आंगनबाड़ी
कार्यकर्तियों की। क्या चल क्या रहा है, बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है क्या? चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखिए फटाफट से। मिलावट को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, कहीं आपकी चाय कॉफी में गोबर तो नहीं मिला हुआ? जी हाँ, लिटरली इस तरह के सैंपल सामने आए हैं। मिलावट के मामले में देश में राजस्थान और राजस्थान में जयपुर नंबर वन पर है। हर चौथा सैंपल फेल पाया गया चाय कॉफी का। ये देखिए आप कुछ डेटा भी जयपुर के। वहीं खबर है राजस्थान सरकार ने फैसला लिया, संविदा कर्मियों का मानदेय 17,000 रुपए तक बढ़ चुका है। जयपुर में हाईकोर्ट में एक कर्मचारी की इस घटना के बाद अब ये फैसला लिया। पहले युवक को 5600 रुपए मिलते थे, लेकिन अब 17,000 रुपए तक बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा संविदा कर्मियों को। वही देखिए उत्तर प्रदेश लखनऊ में बनेगा पहला सेंट्रल मिलिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, मिलर्स एसोसिएशन की बैठक में फैसला लिया गया। बिहार में देखिए पहली बार विश्व स्तरीय महिला हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा, एशिया की 6 देशों की टीमें हिस्सा लेगी। 11 से 20 नवंबर तक अगले के अगले महीने में यह आयोजन होगा। वही देखिए बिहार के बरौनी मुजफ्फरपुर फोर लेन 2025 से बनना शुरू हो जाएगा, 2027 तक इसका काम पूरा होगा। रेलवे से भी खबर है दोस्तों, 1 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच काफी स्पेशल ट्रेनें चलेगी बिहार में भी। टोटल तो मैंने आपको बताया था कल 6,000 से भी ज्यादा ट्रेनें चलाने जा रहा रेलवे त्योहारी सीजन के दौरान, है ना। और देखिए हरियाणा खेल यूनिवर्सिटी राय पहुंचे नीरज चोपड़ा, उन्होंने कहा कि 7 मेडल से 70 मेडल तक पहुंचना मुझे। देखिए मतलब जीवन में लक्ष्य इतना क्लियर होना चाहिए तभी सफलता मिलती है। और वही दोस्तों आने वाले नवरात्रि के त्योहार में गरबा वगैरह को लेकर गुजरात सरकार ने सख्त आदेश जारी किए, माहौल बिगाड़ने वालों की खेड़ नहीं, दुकान रेस्तरां पार्टी प्लॉट में सीसीटीवी कैमरे लगवाना अनिवार्य होगा। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की सचिवालय में प्रवासी उत्तराखंड प्रकोष्ठ की वेबसाइट लॉन्च, नवंबर में होगा सम्मेलन। और देखिए हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार ने जनहित से जुड़ी विभिन्न 66 परियोजनाओं को FCA क्लियरेंस दे दी है और 77 परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी भी मिली है, जो कि हिमाचल वासियों के लिए अच्छी खबर है। और चलिए अब अपन कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते दोस्तों। देखिए IBPS RRB प्रीलिम्स रिजल्ट जारी हो चुका, 6 अक्टूबर को मेंस एग्जाम होगा। और राजस्थान में देखिए 23,820 पदों पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकली है। 8वीं पास उम्मीदवार 6 नवंबर तक इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, लॉटरी के जरिए सिलेक्शन होगा। 18 से 40 साल की उम्र होनी चाहिए, राजस्थान का मूल निवासी इसके लिए आवेदन कर पाएगा। और आवेदन की प्रोसेस क्या होगी जो भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो ये लगभग 24,000 भर्तियां होने जा रही सफाई कर्मियों की। 7 अक्टूबर को पंजीकरण विंडो खुल जाएगी, मतलब 7 अक्टूबर से आवेदन कर पाएंगे, ठीक है ना। SSO.rajasthan.gov.in पोर्टल के जरिए भी आपको आवेदन लिंक मिल जाएंगे और अप्लाई करने की प्रोसेस क्या है ये भी आप देख सकते हैं। वही दोस्तों हरियाणा में भी HSSC कांस्टेबल रिक्रूटमेंट पर अपडेट आ रहा, 5,666 पदों पर आवेदन करने का एक और मौका है, क्योंकि आखिरी तारीख को एक बार फिर से बढ़ाया गया, 1 अक्टूबर शाम 5 बजे तक आवेदन किए जा सकेंगे। और जो रेलवे भर्ती थी ना उसमें भी 2 अक्टूबर तक फिर से RRB तकनीशियन के लिए आवेदन कर पाएंगे स्टूडेंट, इसमें भी ये लास्ट डेट बढ़ाई गई है। ओके, और एजुकेशन के बाद चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं दोस्तों। देखिए सिंह राशि वालों का रुका हुआ काम पूरा हो सकता है, मकर राशि वालों के बिजनेस के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, कन्या राशि के लोग दूसरों से अपनी तुलना ना करें और मीन राशि के लोग अपनी गलतियां सुधारें। बाकी राशियों का राशिफल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्योंकि हर रोज कई लोग कमेंट करते हैं कि RDLS भाई हमारी राशि नहीं बताते हो, हमारी नहीं बताते हो। तो सभी को तो मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन स्क्रीन पर डाल दूंगा तो आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा आप डेली, है ना। ओके, और हाँ दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन से धातु के उत्पादन में भारत ने हाल ही में दूसरा स्थान हासिल कर लिया दुनिया भर में, कमेंट करके बताइए मुझे। चलो आपको हिंट भी दे देता हूँ, लोहा, एल्यूमिनियम, इस्पात, इनमें से कौन सा मेटल है कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा, है ना। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना इसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।